हेलो फ्रेंड्स, राज दिल से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से आया हूँ हैबिटेट से एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म लेकर जिसका नाम है पेबल्स। विनोद राज पीएस जी की डायरेक्टेड ये फिल्म काफ़ी मशहूर है, काफ़ी जगह इसकी चर्चा होती है, कई फेस्टिवल्स में ये फिल्म दिखाई गई है और तमिल भाषा में है। 2021 में ये फिल्म आई थी। फिल्म इतनी ज़बरदस्त है, इतनी खूबसूरत है और इतनी सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म है कि अगर आपने देखी ना तो आप ये सोचेंगे, आपको ये लगेगा कि हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं। हमें ईश्वर ने इन शहरों में या ऐसी जगहों में जन्म देकर कितना हम पे उपकार किया है, लेकिन हम लोग चीज़ों की कद्र नहीं करते। कुछ बेसिक चीज़ें बोलूं, जैसे पानी, पानी को लोग ऐसे बहाते हैं हमारे शहरों में गाड़ियाँ धोने में, सड़कें धोने में और बहुत सारे ऐसे ऐसे काम करने में कि पानी की बहुत वेस्टेज होती है। खाना रेस्टोरेंट्स में, शादियों में, घरों में खाना फेंक दिया जाता है, किसी को खाने के लिए नहीं मिलता। और यहाँ ऐसे गांव हैं, तमिलनाडु की ये पृष्ठभूमि है इस फिल्म की, और क्या डायरेक्शन है, आप यकीन कर सकते हैं। एक फिल्म के अंदर करीबन 5 से 7 मिनट का अनकट सीन चल रहा है और एक्टर्स हैं वो डायलॉग्स भी दे रहे हैं, सीन भी चल रहा है, कैमरा मूव भी हो रहा है और इमोशन एक्सप्रेशन सब कुछ साथ चल रहा है, हर चीज़। और करीबन मिनिमम 5 मिनट्स के सीन्स, मतलब मैं अमेज था ऐसे सीन्स को देखकर जिनमें कोई कट ही नहीं है, वो लगातार चलते जा रहे हैं। एंड एक्टर्स दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, कोई सीन में कहीं कट नहीं है। इतने लंबे लंबे कई सीन्स थे और इतने ऐसा नहीं कि वो रुक गए हैं, कुछ भी, वो स्टोरी लाइन के साथ चल रहे हैं। एक पिता है जो कि बहुत बहुत गुस्से वाला है, जिसने आज लड़ाई करके अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और उसके साथ उसकी एक बहुत छोटी सी बच्ची भी है और शायद वो घर छोड़ के अपने मायके चली गई है। अब वो अपने बेटे को जो करीबन 5 या 6 साल का है उसे स्कूल से उठाता है गुस्से में, और भरी गर्मी में वो उसको लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इट इज़ लाइक अ जर्नी, पूरी की पूरी फिल्म जो है जर्नी है, करीबन आधे दिन की स्टोरी है। और मुझे कई जगह ऐसा फील हुआ, मैंने अपने साथ बैठे लोगों से कहा कि शायद ये तो डायरेक्टर ने एक ही दिन में ना शूट कर दी हो पूरी फिल्म। जिस तरह की डायरेक्शन है, जो लोकेशंस हैं, पूरा एकदम सूखा जंगल, बेहद गर्मी, नंगे पैर, नंगे बदन, पसीनों में लथपथ, भूखे प्यासे वो बाप बेटा, और क्या क्या उनके रास्ते में उनको लोग मिलते हैं, कैसे कैसे लोगों को उस फिल्म के साथ जोड़ा गया है। एक फैमिली दिखाई गई है जो कि जंगल में शिकार कर रही है खाने के लिए, दादा, दादी, माँ और बच्ची, चार लोग शिकार कर रहे हैं। जानते हैं आप किस चीज़ का? चूहों का। वो चूहे पकड़ रहे हैं और चूहों को पकड़ने के बाद वो उनको वहीं जंगल में लकड़ी में आग लगाकर भून कर खाते हैं। पानी, फिल्म का क्लोजिंग सीन जो है वो पानी पर है। एक बुजुर्ग महिला करीबन 10 से 12 फीट नीचे गड्ढे में जाकर गंदा पानी मग से बकेट में इकट्ठा कर रही है जो गंदा है, और बहुत धीरे धीरे, क्योंकि वो पानी कहीं से रिसता हुआ वहाँ इकट्ठा होता जा रहा है और वो भर रही है। और जब सीन थोड़ा आउट होता है तो करीबन 15-20 और भी औरतें उसका इंतज़ार कर रही हैं, अपने अपने मटके, घड़े, ये सब चीज़ें लेकर कि कब उसका पानी का वो जार भर जाएगा और तब वो अपने लिए पानी भरेंगी। सॉरी, थोड़ा शोर ज़्यादा था। तो इस तरह खाना, पानी, जो बहुत ही बेसिक ज़रूरतें हैं एक इंसान की, वो भी वहाँ मुहैया नहीं है, लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, बहुत सोचने पर मजबूर करती है। फिर ड्रोन सीन्स जो लिए गए हैं, बहुत ही, मैं उन्हें खूबसूरत भी कैसे कहूँ, क्योंकि पूरा सूखा पड़ा है और ड्रोन में जब उसको दिखाया जा रहा है तो चलते हुए लोग, लेकिन कहीं भी कोई हरियाली नहीं है, सिर्फ सूखा, एकदम कड़कती हुई तेज धूप, कहीं पानी का नामो निशान नहीं है। इंसान खुद ही ऐसे लग रहा है जैसे मवेशियों की तरह घूम रहा हो। तो सच में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हम लोग इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे पास पानी है, खाना है, रहने के लिए घर है। लेकिन इस फिल्म पेबल्स में उस बच्चे का अभिनय और उसके पिता का अभिनय, दोनों यही हैं जो पूरी फिल्म में, जिनके ऊपर केंद्रित है फिल्म, दोनों ने बहुत ही बहुत सुंदर अभिनय किया है, बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। पिता ने वही एक
बिल्कुल खतरनाक, बेहद गुस्से वाला, बहुत ही एरोगेंट पिता उसकी भूमिका, और बच्चे ने एकदम अच्छा कमाल ये है कि फिल्म के अंदर टेक्स्ट तो बहुत ही कम है। मैं कहूँगा 100% फिल्म में से शायद करीबन करीबन सिर्फ 20% फिल्म के अंदर डायलॉग्स हैं, उसके अलावा डायलॉग्स ही नहीं है फिल्म के अंदर। लेकिन जर्नी है जो चल रही है, आप देख रहे हैं, आपको देखने में भी बहुत बहुत आप बंधे हुए हैं फिल्म के साथ। सबसे कमाल की बात यह है कि हर चीज़ इतनी अच्छे से प्रेजेंट की गई है। तो पेबल्स एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म, तमिल भाषा में ये फिल्म थी, और मैं बाकी डिटेल्स आपको बायो में दूंगा, और कभी आपको देखने के लिए मिलती है तो ज़रूर ज़रूर देखिए, बहुत ही बहुत सोचने पर मजबूर करेगी आपको कि हाँ हमें अपने इन संसाधनों को कितना सीमित, कितना तरीके से, कितना वैल्यू के साथ यूज़ करना चाहिए, चाहे वो पानी हो चाहे वो खाना हो। सो आइए हैबिटेट में इंटरनेशनल फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल देखने के लिए ज़रूर 15 मई तक, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। राज दिल से फिर मिलते हैं, जय हिंद।